और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की। 65 साल की उम्र में मियां इमरान एक बार फिर से दुल्हा बने हैं। इमरान इससे पहले दो बार शादी कर चुके हैं। कैसे मियां इमरान ने पूरी कर ली है शादी की हैट्रिक, हमारी रिपोर्ट देखिए। 65 साल की उम्र में मियां इमरान की शादी वाली हैट्रिक, फिर से मियां इमरान बन गए दुल्हा। इमरान को तीसरी शादी मुबारक। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट का वो लेजेंड जिसने अपने मुल्क के क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मियां इमरान सबसे ज्यादा चर्चा में शादी की वजह से रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने तीसरी बार शादी की है, वो भी हमेशा की तरह गुपचुप तरीके से। बताया जा रहा है कि लाहौर में 1 जनवरी को इमरान खान ने शादी की। आध्यात्मिक झुकाव रखने वाली एक महिला के साथ पूर्व क्रिकेटर लंबे समय से संपर्क में थे। पाक मीडिया के अनुसार 1 जनवरी को शादी करने के बाद इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचे, जहां कोर्ट में उनके केस की सुनवाई थी। केस में इमरान खान को बेल मिल गई। इमरान खान की पार्टी से जुड़े और राजनीतिक सचिव आन चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस खबर के पीछे सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि इमरान खान की पहली शादी ब्रिटिश मूल की जेमिमा से हुई थी। जेमिमा के साथ 9 साल शादी के बंधन में रहने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से 2004 में तलाक ले लिया था। टीवी प्रेजेंटर रहीम खान से इमरान खान ने दूसरी शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी सिर्फ 10 महीनों तक ही चल सका। दूसरी शादी भी इमरान खान ने गुपचुप तरीके से की थी और तलाक की खबर को भी गलत बताया था, लेकिन बाद में यह खबर सच साबित हुई। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान की दुल्हन के करीबी रिश्तेदार के घर निकाह हुआ, जिसमें इमरान खान के काफी करीबी लोगों ने ही शिरकत की। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज 24।